आप सभी को राधे राधे। प्रिय दर्शकों, उपस्थित हूँ दिनांक 27 जून 2020 का राशिफल लेकर। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि तथा नाम राशि पर आधारित है। चलिए कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। उससे पूर्व यदि आप हमारे वीडियो को प्रथम बार देख रहे हैं, चैनल को प्रथम बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छी लगे तो शेयर अवश्य करें। चलिए जानते हैं आज का पंचांग। आज दिन शनिवार आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है, जो दिन और रात्रि रहेगी। आज नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी है, जो सुबह 10:10 तक रहेगा। इसके पश्चात उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र आरंभ होगा। आज व्यधिपात योग है, करण गरज है। आज चंद्रदेव सिंह राशि में स्थित हैं। आज राहु काल का समय प्रातः 9 बजे से लेकर 10:30 तक रहेगा। आज अभिजित मुहूर्त है 11:47 से 12:43 तक। आज कोई भी नवीन कार्य आप कर रहे हैं तो सर्वोत्तम शुभ मुहूर्त का समय है 7 बजे से लेकर 9 बजे तक, और शाम का शुभ मुहूर्त है 5 बजे से लेकर 6:30 तक। तिथि के अनुसार आज ताड़ के फल का सेवन नहीं करना चाहिए, निषिद्ध है। आज दिशा शूल पूर्व दिशा में है, अगर पूर्व दिशा की यात्रा विशेष ना हो तो ना करें, और यद्यपि आपको यात्रा करनी है तो अदरक या गुड़ खाकर करें, मंगलमय रहेगी। और आज जिनका जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरी है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आपके लिए उपाय, आज आप लाल वस्त्रों को धारण करें, अर्थात आज के दिन लाल वस्त्र आप पहनें और हनुमान जी का पूजन करें, एक पाठ हनुमान चालीसा का करें, और हनुमान जी को कोई भी मिठाई का आप भोग लगाएं, लाल मिठाई चढ़ाएंगे, सर्वोत्तम रहेगी, शुभ रहेगी, मंगलमय रहेगी। मित्रों, आज विशेष उपाय में चर्चा करेंगे, लक्ष्मी प्राप्ति में शंख का क्या योगदान है, और स्त्रियों को शंख बजाना चाहिए या नहीं बजाना चाहिए, और शंख जब हम खरीदते हैं तो उसकी पहचान क्या है, क्योंकि आजकल मार्केट में नकली शंख भी बिक रहे हैं, तो शुद्ध शंख की क्या पहचान है, ये जानेंगे राशिफल के पश्चात। तो चलिए राशिफल आरंभ करते हैं। आज आप नियंत्रित रहकर प्रत्येक कार्य को करें, लाभ होगा। व्यापार में श्रेष्ठ उन्नति के योग हैं। शुभ अंक 4, शुभ रंग ब्लू। वृषभ राशि, आज कार्य गंभीरता से आप करें, जल्दबाजी ना करें, अन्यथा अनिष्ट हो सकता है, अन्य सभी कार्यों में आपको लाभ रहेगा। शुभ अंक 5, शुभ रंग पीला। मिथुन राशि, आज आप में आत्मविश्वास की वृद्धि रहेगी, लेकिन कार्य को सावधानी से करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग सफ़ेद। कर्क राशि, आज आपका मन प्रसन्न रहेगा, पूर्व का अगर कोई कार्य अपूर्ण है तो वह आज पूर्ण होगा। शुभ अंक 1, शुभ रंग लाल। सिंह राशि, आज आपके व्यापार क्षेत्र में आपको लाभ प्राप्त होगा, लेकिन मन को एकाग्र करके कार्य को करें। शुभ अंक आपके लिए 8, शुभ रंग लाल। कन्या राशि, आज आप विवाद से बचें, परिश्रम अवश्य करें। आज खर्च आपका बढ़ सकता है, तो खर्च को नियंत्रित करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग केसरिया। तुला राशि, आज आपके विचार सकारात्मक रहेंगे, दूसरों के कार्यों पर आप जो है अत्यधिक ध्यान न दें कि किस प्रकार का कौन क्या कार्य कर रहा है, अपने कार्य पर ध्यान दें। शुभ अंक 7, शुभ रंग पर्पल। वृश्चिक राशि, आज आपका उत्साह बढ़ा रहेगा, खर्चों पर आपको नियंत्रित रखना है, अनावश्यक रूप से धन का व्यय नहीं करना है। शुभ अंक 3, शुभ रंग ऑरेंज। धनु राशि, आज योजनाएं आपकी पूर्ण होंगी, परिवार में प्रसन्नता का माहौल रहेगा, आपके लिए शुभ अंक 6, शुभ रंग हरा। मकर राशि, शुभ विचारों को आज आप महत्व दें, व्यापार में लाभ होगा, धैर्य बनाकर रखें। शुभ अंक 4, शुभ रंग पिंक। कुंभ राशि, आज कोई आपको अच्छा समाचार प्राप्त हो सकता है, दूसरों पर अत्यधिक विश्वास आज आपको नहीं करना है। शुभ अंक 7, शुभ रंग सिंदूरी। मीन राशि, आज आपका दिन अत्यधिक श्रेष्ठ रहेगा, व्यापार क्षेत्र में आपको लाभ की प्राप्ति होगी, अगर आप कोई नवीन कार्य करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आज का दिन शुभ है। शुभ अंक 1, शुभ रंग पीला। कल हमने जाना शंख किस प्रकार से सनातन धर्म में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, किस प्रकार से कितने प्रकार के शंख होते हैं, किस प्रकार से शंख रोगों में लाभ देता है, और किस प्रकार से वैज्ञानिक रूप से हमारे बीच में शंख की क्या महत्वता है। तो वैज्ञानिक भी जो हैं शंख के जो महत्व है उसको जानते हैं, शंख की एनर्जी को मानते हैं कि शंख सकारात्मक ऊर्जाओं को देने वाला है। तो आइए आज चर्चा करते हैं लक्ष्मी प्राप्ति में शंख का महत्व।
और स्त्रियों को शंख क्यों नहीं बजाना चाहिए और शंख की पहचान क्या है। तो हमारे पूर्वज आदि अनादि काल से शंख का प्रयोग करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि हमारे देव जो इस जगत के पालन करता है भगवान श्री नारायण अपने हाथ में शंख को धारण करते हैं। वे अपने हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म यानी कमल को धारण करते हैं, और माँ लक्ष्मी के हाथों में भी है। और कभी भी देव और असुरों के बीच में संग्राम हुआ है तो उसको आरंभ करने से पूर्व शंख की नाद की जाती थी असुरों की तरफ से और अनेक यंत्र थे, लेकिन देवताओं की तरफ से शंख। तो शंख एक विजय का प्रतीक भी है। शंख जहाँ नित्य प्रति बजता है वहाँ हमेशा हर कार्य में विजय की प्राप्ति होती है, सफलता प्राप्त होती है। और शंख का प्रयोग भगवान शिव जी के निकट नहीं करना चाहिए, शंख का स्पर्श भगवान शिव से ना हो जाए, और शंख के जल का स्पर्श भी भगवान शिव से ना हो जाए। तो शिव पर जो है भगवान श्री नारायण की जो परम प्रिय शंख हैं उनका जल नहीं चढ़ता है। तो उनकी एक बड़ी रोचक कहानी है, आप सभी ने सुनी होगी, शंखचूर्ण दैत्य की कहानी। शंखचूर्ण नामक दैत्य का वध भगवान शिव ने किया था, तो इस कारण जो है शिव जी पर उसका जल नहीं चढ़ता है। और शंख का निर्माण भी शंखचूर्ण नामक दैत्य की हड्डियों से हुआ है। और वेद और पुराण शास्त्रों के अनुसार शंख को लक्ष्मी का सहोदर यानी लक्ष्मी का भाई भी कहा गया है। तो जैसा स्थान लक्ष्मी का है वैसे ही उनके सहोदर भाई का स्थान है। और कभी भी जो है शंख को नीचे नहीं रखना चाहिए ज़मीन पर बिना आसन के। तो शंख के लिए आसन होना चाहिए, आप चौकी पर पटले पर रख सकते हैं लेकिन नीचे नहीं रखना चाहिए। सबसे अच्छा रहेगा कोई पीला आसन हो या लाल आसन हो उस पर आप रखें। और घर में एक से अधिक की संख्या में भी शंख नहीं होने चाहिए। वेद पुराणों में लिखा है कि एक से अधिक अगर शंख आपके घर हैं तो अशांति बनी रहेगी, तो शंख की संख्या एक से अधिक नहीं होनी चाहिए। और खंडित शंख भी आपके घर में नहीं होना चाहिए, उसका भी दोष लगता है। और हाँ, एक बात का और ध्यान रखें, हर चीज़ का आदान प्रदान कर देते हैं लेकिन अपने शंख को किसी को नहीं देना चाहिए और ना किसी से लें। कई बार हम पूजा पाठ करते हैं, शंख पड़ोस से मांग कर ले आते हैं या कभी कभी पड़ोसी हमसे मांग कर ले आते हैं, तो इस प्रकार का कार्य ना करें, ये सौभाग्य को कम कर देता है। और सुबह शाम शंख पर अवश्य तिलक लगाना चाहिए, शंख का पूजन करना चाहिए और मंत्र पढ़ना चाहिए, ओम पंचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नो शंख प्रचोदयात्। ये मंत्र है, इस मंत्र को पढ़ के शंख देवता को और शंख को प्रणाम करने के पश्चात आप उसको बजा सकते हैं। तो शंख, कहा गया है कि शंख के अग्रभाग में गंगा सरस्वती विराजती हैं, शंख के मध्य भाग में भगवान वरुण देवता विराजते हैं और शंख के अंत में ब्रह्मदेव निवास करते हैं। और कभी भी शंख को आप बजाते हैं तो पूरब दिशा की ओर आपका मुख हो या उत्तर दिशा की ओर आपका मुख होना चाहिए, ये शंख बजाने के नियम हैं। अगर हम इनको मानते हैं, इन नियमों के अनुसार हम अपना प्रतिदिन का पूजन करते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा अवश्य हमें प्राप्त होती है। चलिए अब जानते हैं स्त्रियों को शंख बजाना चाहिए या नहीं। वेद और शास्त्रों के अनुसार या जो हमारे पहले के ऋषि मुनि थे तो उन्होंने निषिद्ध कहा है, अर्थात नहीं बजाना चाहिए। लेकिन आज का समय परिवर्तित हो गया है, बदल गया है, तो लोग शंख बजाते हैं, स्त्रियाँ भी बजाने लगी हैं, लेकिन अशुद्ध अवस्था तथा गर्भावस्था में शंख को नहीं बजाना चाहिए, ये नुकसानदायक है। बाकी समय में आप सुबह के समय, संध्या के समय शंख बजा सकते हैं। और अब जानते हैं शंख की पहचान, शंख की क्या पहचान है। सबसे पहले शंख आप खरीदें और 10 दिन उसको नमक के पानी में भिगो कर रखें। पहला प्रयोग है शंख को लेकर, 10 दिन नमक के पानी में भिगो कर रखें और देखें, अगर शंख में कोई परिवर्तन नहीं आता है तो शंख असली है, अगर चटक जाता है, टूट जाता है, खंडित है तो शंख नकली है। नंबर दो, दूसरा प्रयोग, शंख को यदि 3 दिन गर्म पानी में, 3 दिन ठंडे पानी में हम रखते हैं
और उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है तो शंख शुद्ध है, असली है, और उसमें परिवर्तन हुआ, रंग कम हुआ या कहीं से चटका लाइनिंग आई तो शंख नकली है। नंबर 3, सबसे उत्तम और सबसे सरल उपाय है कि शंख को अपने कान के पास लगाकर देखें। यदि उसमें से लहरों की आवाज़ आ रही है, जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं उनकी आवाज़ आ रही है, या ओमकार की ध्वनि सुनाई दे रही है, ओम की ध्वनि आपको सुनाई दे रही है, तो समझ लेना चाहिए कि शंख असली है। सबसे सरल तरीका आप दुकान पर लेते हैं तो ये कार्य तो आप उस समय प्रत्यक्ष कर सकते हैं, उसी समय कर सकते हैं। ये आपको शंख लेने में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान निभाएंगी पहचान। तो यह पहचान है शंख को लेने से पूर्व किस प्रकार से हम करें। तो इस प्रकार से आज हमने जाना कि शंख की क्या महत्वता रही, किस प्रकार शंख की पहचान है, स्त्रियों को बजाना चाहिए नहीं बजाना चाहिए, और लक्ष्मी प्राप्ति में किस प्रकार शंख का महत्वपूर्ण योगदान है, क्या स्थान है। तो हमारे वेद और शास्त्रों के अनुसार, पुराणों के अनुसार शंख का बड़ा महत्व है, तो शंख को अवश्य हमें अपने घरों में रखना चाहिए, अपने पूजा पाठ में नित्य प्रयोग करना चाहिए, उसको नित्य सुबह और शाम के समय अवश्य बजाना चाहिए, तो अनेकानेक लाभ की प्राप्ति होती है। तो इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आप देखते रहिए, हमसे जुड़े रहिए, अपना प्रेम बनाए रखिए। जय जय श्री राधे श्याम।